विषय है आज ध्यान के अनंत पथ से भेजे गए संदेश के उत्तर में किसी मित्र ने लिखा कि ध्यान विशेष या साधारण नहीं होता, ध्यान बस ध्यान होता है। कृपया इस बारे में कुछ कहने की कृपा करें। आज मैंने ही कहा था कि ये संदेश सभी मित्रों को दिया जाए कि आज का ध्यान विशेष है। और जो कुछ मित्र मेरे साथ इस रहस्य में प्रवेश कर पाए हैं वो भी जानते हैं कि कुछ विशेष इधर एक दो दिन से गतिमान था, हलचल में था। अस्तित्व में बहुत कुछ होता है जिसे तुम नहीं जान सकते। हाँ, मुझे ये भी बताया गया कि संदेश भेजने वाले मित्र ने अपना नाम भी नहीं लिखा, तो अपना नाम भी लिखना चाहिए। ये सब पंडितों के काम है, ज्ञानियों के। जो ज्ञानी किस्म का व्यक्ति होता है वो अक्सर अपने शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाता है। शब्दों का जाल इतना खतरनाक होता है कि वो भटकता भी है और इस भ्रम में भी रहता है कि मैं भटक नहीं रहा हूं, क्योंकि शब्द ऐसा झूठा एहसास दे सकते हैं कि मैं जानता हूं। ये नादानी वाली बात है। अस्तित्व में एक रहस्य है, तुम शब्दों में मत उलझो। कुछ विशेष भी होता है यहां और कुछ अविशेष भी होता है। जैसे बीम की जो शब्दावली है होने की, इसमें न जाने कितने साधक और गुरु भटक रहे। जो अपने उस अंतरतम के रहस्य में प्रवेश किए बिना साधक हो गए हैं या गुरु हो गए हैं, उनकी गति एक जैसी। हमारे प्रिय मित्र कबीर अक्सर ये बात कहते हैं कि बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं साधना की और धर्म की जिसमें गुरु और चेले एक साथ डूबते हैं। चेले डूबे तो समझ में आती, गुरु भी क्यों डूबेंगे। और कबीर जब कहते हैं तो उसमें उनका इंगित यही है कि एक ही जैसी नादानी दोनों तरफ है, ज्ञान शब्दों में नहीं है। अनुभव तुम्हें अंतर्दृष्टि दे सकता है और फिर उसे शब्दों में कहने का प्रयास किया जाता है। शब्द सीमित हैं लेकिन फिर भी वो उस असीम का कुछ इशारा लेकर आते हैं। अगर शब्द बिल्कुल ही बेमानी होते तो उनका उपयोग ही व्यर्थ हो जाता, फिर तुम सामान्य जीवन जीने से भी पंगु हो जाते। अब जैसे एक बार मैं किसी गुरु किस्म के व्यक्ति से मिला और मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इस देह का नाम ये है। मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे तो आत्मा का ही नाम जानना है। अरे, इन मूर्खताओं में पढ़ने की जरूरत क्या है, नाम देह का ही होता है, हर कोई जानता है। तुम्हारे ये कह देने मात्र से कोई बात अलग नहीं हो जाती, इससे यही पता चलता है कि तुम्हें देह के
पार जो है उसका कोई भी एहसास नहीं। ज्ञानी ऐसे ही वाद विवाद में अनादिकाल से उलझे रहे हैं, उनका दर्द उनकी पीड़ा यही है। ऐसे अवसर पर फिर मुझे कबीर याद आते हैं, उनका एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, वो कहते हैं पंडित वाद बदनते झूठा। पंडित जो ज्ञानी है वो वाद विवाद में उलझा है और पूरी तरह झूठ हो गया है। आगे वो इन्हीं बातों को पढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर शब्द ही सच होते तो भोजन कह देने से भूख मिट जाती, अगर शब्द ही सच होते तो पानी कह देने से प्यास मिट जाती, राम कह देने से तुम्हें मोक्ष मिल जाता। तुम जो जानते ही नहीं हो उसे कह देने से भी अंतर क्या पड़ेगा, तुम कहते रहो, कहते कहते तुम इस भ्रम के शिकार जरूर हो सकते हो कि हां कुछ बड़ा महत्वपूर्ण घट रहा है। ज्ञानी भी और कवि भी इन सारी बातों के शिकार हो जाते हैं और उनका जीवन बड़ी पीड़ा से भर जाता है। कभी कभी तुम शब्द कौशल के शिकार हो जाते हो, तुम्हें लगता है बड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात तुमने ढूंढ ली है और होता कुछ भी नहीं। अब जैसे तुमसे एक सत्य कहा जाए उसे वही व्यक्ति जान सकता है जिसने जीवन और ऊर्जा को बहुत ही गहराई से जाना है कि प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से जीवित नहीं होता। तुम्हें लगेगा कि जीवित है तो जीवित है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सत्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जीवित होने की अवस्था भिन्न भिन्न होती है, प्रत्येक व्यक्ति में जीवन अलग अलग स्तर पर प्रकट होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में तुम्हें अलग अलग किस्म की रोशनी दिखाई देती। कहने को तो सब चलते फिरते हैं, कहने को तो सब सांस लेते हैं, सबकी इंद्रियां वही काम करती हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जागत सत्य यह है कि जीवन का जो स्रोत है प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से अलग अलग ढंग से प्रकट होता है, उसकी मात्रा अलग अलग होती है। लेकिन शाब्दिक रूप से हम कह सकते हैं कि जीवन तो जीवन है, उसमें कम और ज्यादा क्या हो सकता है, या तो तुम मरे हो या जिंदा हो। कहने के लिए बात बिल्कुल ठीक है कि मृत्यु के ठीक पहले की अवस्था और मृत्यु के समय की अवस्था, इन दोनों में यही कहा जा सकता है कि यह मृत्यु है या नहीं है, लेकिन मृत्यु की ओर भी तुम क्रमिक रूप से बढ़ते हो, क्रमिक रूप से तुम जा रहे होते हो, और जो ऊर्जा के सत्य को जानने वाले हैं वो तुम्हें देखकर ही ये बता सकते हैं कि तुम कितने दिन में उस जगह पहुंच जाओगे। इसी प्रकार सद्गुरु ये भी जान सकते हैं कि तुम कितने समय में अपने बोध की अवस्था की ओर बढ़ जाओगे। हालांकि इस पर सद्गुरु हमेशा रहस्य में वक्तव्य देते हैं कि इसे बताया नहीं जा सकता, ये रहस्य के गर्भ में है, रहस्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी जब तुम उस यात्रा की ओर बढ़ रहे हो तो काफी हद तक अनुमान दिया जा सकता है, लेकिन ये वही व्यक्ति दे सकता है जो उस रहस्य में पूरा का पूरा प्रवेश कर चुका है। जैसे पानी 100 डिग्री पर भाप बन जाता है, ठीक 99 डिग्री पर भाप नहीं है, एक अर्थ में वो छलांग लगती है कि 99 डिग्री से 100 डिग्री पर और एक छलांग लग गई,
पानी भाप बन गया, लेकिन 50 डिग्री से छलांग नहीं लगती, 98 डिग्री से छलांग नहीं लगती। इसलिए जो 99 डिग्री पर पानी पहुंच चुका है और जो पानी 90 डिग्री पर है, उनमें गुणात्मक रूप से बहुत अंतर है। छलांग तो लगेगी 99 डिग्री से, विज्ञान इस पर सहमत है। तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि 10 डिग्री का पानी और 99 डिग्री का पानी एक ही जैसा है। 10 डिग्री से तो कभी छलांग नहीं लगता, लगेगी वो 99 से, 1 डिग्री और छलांग लग। तो जो पानी 99 डिग्री पर है वो विशेष है। उस पानी को हम कह सकते हैं कि ये विशेष है, इसमें अभी कुछ हो सकता है, जरा सा फेर बदल, हाँ वो ठंडा होकर पीछे भी लौट सकता है, लेकिन थोड़ा सा ताप बढ़ने से वो आगे भी जा सकता है, उसमें छलांग भी लग सकती है। लेकिन जो पानी अभी ताप की प्रक्रिया से गुजरा नहीं, उसमें वो विशेषता नहीं। ऐसे ही कॉस्मिक मूवमेंट में, इस ब्रह्मांडीय गति में कभी कभी ऐसे ऊर्जा के ताने बाने बनते हैं जब ध्यान की कुछ विशेष अवस्थाएं घटित होती, जो कि ध्यान का एक बाजार है, कारोबार है, उसका एक व्यापार है, इसीलिए लोग इन बातों के बारे में जानते हैं। व्यापार में लगा व्यक्ति रहस्य को जान भी नहीं सकता, तो उसके लिए सब दिन एक जैसे हैं, हर घड़ी हर क्षण एक जैसा है। लेकिन जो अस्तित्व की लय के साथ गतिमान है, उसके स्पंदन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है उसके साथ वो आगे जा रहे हैं, वो देख सकते हैं कि कई बार कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं जब तुम कुछ करो या ना करो और ध्यान की गहरी अवस्थाएं घट सकती हैं। और कई बार इसे विपरीत भी होता है कि तुम चाहे जितने प्रयास कर लो, तुम चाहे जितने विधियों को उपायों को आजमा लो, तुम ध्यान की रत्ती भर भी झलक नहीं पा सकते। और कभी कभी कुछ ऐसी कॉस्मिक सिचुएशंस हो जाती हैं जब तुम कुछ भी प्रयास न कर रहे हो, तुम बस खुल जाओ, तुम बस ग्रहणशील हो जाओ और ध्यान की गहरे से गहरी झलक तुम्हें उपलब्ध हो सकती। तो ये स्थितियां विशेष स्थितियां होती। आज भी ऐसी विशेष स्थिति है, तुम्हें समझ इसलिए नहीं पड़ी होगी क्योंकि आज टीवी पे तुम्हें ज्योतिषी और इस तरह के कई लोग जो पहले ही बहुत सारी बातें भविष्यवाणी करने लगते हैं, वो तुम्हें बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे दिए होंगे कि आज कौन सा योग पड़ा है या आज कौन से ग्रह नक्षत्रों की दशा आई है। वो भी उतने ही नादान लोग हैं। नादानी की कोई सीमा नहीं, आइंस्टीन कहते थे, और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, वो कहते थे कि ब्रह्मांड का और मनुष्य की नादानी का कोई अंत नहीं। अगर कोई आकर तुम्हें ये बताता है कि ये विशेष है, आज ऐसा योग पड़ गया है, आज ऐसी दशाएं बन गई हैं, आज ग्रहण आ गया है, आज ये रात्रि आ गई है, तो तुमको लगता है कि हाँ कुछ है। और इन कर्मकांडों में लगा हुआ पूरा का पूरा देश किसी गहरी ध्यान की अवस्था में पहुंचा हुआ दिखाई नहीं देता। इस देश ने अध्यात्म शिखर जरूर छुए, लेकिन आज जो इन कर्मकांडों में लिप्त समाज है, उसमें ध्यान या समाधि की वो ऊंचाई, वो शिखर, वो सुगंध कहां दिखाई देता। इसलिए नहीं दिखाई देता कि सब उधार का है, तुम्हारे अपने अनुभव से कुछ भी नहीं आया है। जब तुम अस्तित्व के साथ लयबद्ध होगे, तो तुम्हें किसी शास्त्र, किसी किताब, किसी पंचांग, किसी भी इशारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना अंतस
तुम्हारा अपना शरीर ही उस लय के साथ एक होकर बहुत कुछ बता पाएगा, बहुत कुछ जान पाएगा। एक जगह बच्चन अपनी कविता में लिखते हैं कि मैं नहीं ज्योतिर्विदों सामुद्रिकों के पास जाता, मेरा कंठ ही मेरी भवितव्यता है बताता। अर्थात मैं भविष्य बताने वालों के पास नहीं जाता, मेरा कंठ ही मेरा भविष्य बता देता है। अगर तुम संवेदनशील हो तो तुम सब कुछ जान सकते हो। तो आज ऐसी ही स्थिति है जिसका ना कोई प्रमाण है, ना कोई उल्लेख है, ना कोई ग्रह दशा है, ना किसी पंचांग में उसका वर्णन है। लेकिन अगर तुम जागरूक होगे तो तुम देख पाओगे तरंगों की एक हलचल। वो तरंगों की हलचल तुम्हें गहरे से गहरे जाने में सहयोग दे रही, तुम उसका लाभ उठा सकते हो। अनंत पथ के मित्रों से मैं यही चाहता हूं कि वो किसी भी उधार के ज्ञान से न चिपके। उनका अपना जीवन ही उनके लिए उदाहरण और प्रमाण हो। जब दुनिया का हर व्यक्ति किसी बात के विरोध में कुछ कह रहा हो, दुनिया की हर किताब उनके अनुभव के विरोध में जा रही हो, लेकिन उनका अपना अनुभव उनके समर्थन में जा रहा हो, तो वो अपने अनुभव के साथ जाए। जो मनुष्य बाहर के बातों से प्रभावित होता है वो कभी भी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि कल को कोई कह देगा कि तुम उपलब्ध हो और तुम खुशी से नाचने लगोगे, कल को कोई कह देगा कि तुम नहीं हो, तुम दुखी हो जाओ। अब जैसे ये टिप्पणी जो आई ऐसी ही बेचैनी की टिप्पणी है, अन्यथा ऐसी बातों पे तुम खामोश भी रह सकते हो, लेकिन तुम्हें बेचैनी होती है कि किसका कुछ जवाब देना चाहिए। तो उस बेचैनी से, उस उत्तेजना से तुम उसका जवाब देते हो। लेकिन हर बेचैनी और हर उत्तेजना तुम्हारी नादानी पर ही मोहर लगाती है। क्या जरूरत है किसी बात का जवाब देने की? एक साधक स्पष्टीकरण भी नहीं देता। जैसे कोई आकर तुमसे कह दे कि तुम मंदबुद्धि हो, तो तुम सिद्ध करने की अगर कोशिश में लग जाओ कि तुम मंदबुद्धि नहीं हो, तो मंदबुद्धि हो जाओगे। दो तीन बार सिद्ध करोगे तुम मंदबुद्धिता की ओर बढ़ जाओगे। लेकिन तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम सहज रह सकते हो। कल को कोई आकर कह दे कि नहीं स्वामी जी आप तो उपलब्ध हो गए, तो तुम अनंत में आना छोड़कर उसके यहां जाना प्रारंभ कर दोगे, इसकी संभावनाएं खुली। कुछ ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जो कह दे कि तुम बोध को उपलब्ध हो गए हो। इसीलिए कई बार गुरु और चेलों की बड़ी उलझन होती है। कुछ गुरु कुछ शिष्यों को नहीं छोड़ पाते और कुछ शिष्य कुछ गुरुओं को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन शिष्यों की वजह से गुरु गुरु है और उस गुरु की वजह से वो शिष्य शिष्य है। अगर मान लो 10 शिष्यों ने तुम्हें बुद्धत्व को उपलब्ध घोषित कर दिया हो, तो तुम्हें उन 10 शिष्यों को पकड़ के रखना पड़ेगा, तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते। वो तुम्हें बुद्ध की तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो उनकी जरूरत है, क्योंकि वो चले जाएंगे तो तुम्हारा बुद्धत्व भी साथ ले जाएंगे। अक्सर 99% जो ये गुरु बाजार है उसमें इसी किस्म के लोग, किसी ने किसी को ऐसा प्रदर्शित कर दिया है और उसने उसको उसी तरह से पकड़ लिया। मैं ऐसे कई लोगों को जानता रहा हूं जिनको खुद तो ये पता ही ना चला कि कौन सा बोध और कौन सी अंतर्दृष्टि उन्हें उपलब्ध हुई है। जब उनके शिष्यों ने बताना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ सचमुच में मैं इतना ज्ञानी होऊंगा नहीं, तो लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों करते।
कई बार तुम ये खेल करके देख सकते हो, किसी को पकड़ लो जो इस साधना के खेल में लगा हुआ व्यक्ति हो, तुम्हें से 8-10 लोग तैयार करो और तुम इस खेल को खेल सकते हो। थोड़ा सा देखो कि इसको साधना में बहुत रस आ रहा है, उसकी तारीफें करना शुरू कर दो, उसके पैर छूना शुरू कर दो, 3-6 महीने में वो गुरु बन जाएगा, वो गुरु की तरह व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि लोगों ने तुम्हारे पैर छूना शुरू कर दिए, लोगों ने तुम्हारी तारीफ शुरू कर दी, तो अंदर कहीं पकड़ने लगता है कुछ तो होगा, कोई बात तो होगी, नहीं तो लोग ऐसा क्यों करते। तुम कहीं खेल कर सकते हो, तुम 100% इसमें सफल हो जाओगे, कोई संशय ही नहीं, क्योंकि मनुष्य का अहंकार और उसकी नादानी भटकने के लिए हमेशा तैयार है। सच्चा साधक तो वो है जो किसी प्रलोभन से प्रभावित नहीं होता। मैं भी आकर अगर उसे कह दूं कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो और उसके अंदर उसका अंतस्थ गवाही नहीं देता, तो वो दो बातें करेगा। वो कहेगा कि मैं आपकी बात का इनकार भी नहीं करता, लेकिन मैं इसे स्वीकार भी नहीं करता। आप कहते हैं तो ठीक कहते होंगे, लेकिन मुझे इसका कोई एहसास नहीं। सवाल तुम्हारी अपनी स्पष्टता का है और तुम्हारे अपने साहस का। जब तुम अपने अंदर बहुत स्पष्ट होते हो, साहसी होते हो, तब तुम किसी बात में उलझते ही नहीं, ना तुम किसी बात का जवाब देते, ना तुम कोई टीका करते, ना टिप्पणी, ना तर्क, ना वितर्क। तुम कबीर के उस पंडित बात बदनते झूठा वाली श्रेणी में नहीं आते। आदि शंकर महान गुरु थे, लेकिन मुझे उनकी उन बातों पर भी आपत्ति है, और मैं ये समझता हूं उसके बाद ही वो बोध को उपलब्ध में होंगे, उसके पहले वो 98-99 डिग्री वाली बात रही होगी, क्योंकि जब तक वो शास्त्रार्थ में लगे थे, यहां से वहां लोगों को शास्त्रार्थ में हराने के लिए निकल रहे थे, तो ये नादानी है। देखा जाए तो जब आदि शंकर इस शास्त्रार्थ जैसी बातों में लगे हुए घूम रहे थे, तो उसका कोई औचित्य नहीं, वो नादानी वाली बात है। उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए इस बात को कहने में तनिक भी संशय नहीं है कि जब तक वो उस प्रक्रिया में संलग्न थे, वो बोध को उपलब्ध नहीं थे। जिस दिन उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि इस सब में कुछ नहीं रखा है, उस दिन वो बोध को उपलब्ध हुए। प्यारे व्यक्ति थे, लेकिन जहां भी वाद विवाद, तर्क वितर्क और अपनी बात सिद्ध करने की चेष्टा है, वहां नादानी है। जिन सद्गुरुओं को अनंत पथ पर हमने अपने साथ लिया है, उनके जीवन में तुम ऐसी कोई भी घटना नहीं पाओगे। लोग उनके विरोध में बोले तो भी उसका जवाब नहीं देते, उनके समर्थन में बोले तब भी उसका जवाब नहीं देते। वो अपना गीत गाते हैं, अपनी बात कहते हैं और किसी बात में उलझते हैं। लेकिन जब तुम्हारे भीतर बहुत सारा उधार का पांडित्य भर जाता है, तो बेचैनी होती है उसे उगलने की। और आजकल न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में ऐसे स्पिरिचुअल जार्गन्स प्रचलित हैं, ऐसे ऐसे फ्रेज प्रचलित हैं कि सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इल्यूसिव हैं, भ्रम से भरे हैं। क्योंकि अनुभूति के बिना तुम क्या करोगे? प्रेम के ऊपर एक अच्छी कविता लिखने से बेहतर है कि प्रेम का 2 घड़ी आनंद लेना। अब तुम बताओ तुम क्या चुनाव करोगे? प्रेम पर तुम्हें कोई पूरा वेद दे जाए या तुम्हें
प्रेम भरा जीवन दे जाए तुम क्या लोगे। मैं तो समझता हूं प्रेम के चंद लम्हों के एवज में भी तुम प्रेम का वेद लेना स्वीकार नहीं करोगे। तो फिर ज्ञान की उन अनुभूतियों के बदले में तुम ये कूड़ा कचरा कैसे ले सकते हो। आम व्यक्ति तो ऐसा ही, वो भूल जाता है कि हमें उसे जीना है। मेरा अनुभव यही कहता है और मैंने यही देखा है कि जिन लोगों के जीवन में प्रेम चला गया है वो प्रेम की बहुत बातें करते हैं। गीत भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, किताबें भी लिखते हैं, और संभव होगा तो ऐसा ही कोई प्रेम रहित व्यक्ति प्रेम का वेद भी लिखेगा, उपनिषद भी लिखेगा, ये तय बात है। सद्गुरुओं को तो तुम्हें अनुभव करना होता है, उनकी बातों को तुम्हें पकड़ना होता है। वो आसमान में तैरते बादलों की तरह, भगवान बुद्ध कहते थे, किसी ने पूछा आप अपने जीवन के बारे में कुछ कहें कैसा है, वो कहते हैं आसमान में तैरते सफेद बादलों जैसा है मेरा जीवन, न कोई ओर न छोर न कोई मंजिल, एक असीमता में भटकता हुआ एक भाव, अनंत में तैरती हुई एक भावदशा, जिसका न कोई प्रारंभ न अंत न मंजिल न मार्ग। वास्तविक चीजें ऐसी ही गहरी होती है, उन्हें तुम पकड़ नहीं सकते। तुम पकड़ोगे वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि सद्गुरुओं के जिन वचनों को तुम ज्ञान की तरह देखते हो वो आसमान में तैरते उन बादलों की तरह ही थीं जिन्हें किसी भांति पकड़ लिया गया, और अच्छा है उनका आनंद लिया गया। जैसे कोई अच्छा फोटोग्राफर उन बादलों को एक फ्रेम में कैद करे तो तुम बाद में भी उसका आनंद ले सकते हो, उसकी तारीफ भी कर सकते हो, लेकिन एक फोटो के फ्रेम में कैद सुंदर बादल और आसमान वो अनुभूति नहीं दे सकता जो वो वास्तव में थे। या कि दे सकते। आज तुम गीता जैसी किताबों पर अनेकों टीकाएं पढ़ सकते हो, कर सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जरा तुम पूरे परिदृश्य को देखो, वो परिदृश्य बहुत प्यारा है, आदि शंकर से कई गुना अलग, बिल्कुल अद्भुत। एक उनका मित्र है उनके सामने खड़ा है, एक स्थिति है प्रेम और भाव का, एक अवसर है और वो उसको कुछ कह देते, बात खत्म। वो तो फिर कोई दूसरा उसे रिकॉर्ड कर लेता है, वो तो कोई दूसरा फिर उसे लिपिबद्ध कर देता है, उनका तो इतना भी आग्रह नहीं कि इसको बचा लिया जाए, ये ज्ञान के वचन है। क्योंकि ज्ञान के वचन ही देने होते तो आगे पीछे बहुत मौके थे, अर्जुन उनके साथ ही रहता था, उसको निरंतर प्रवचन देते रहते। वो एक स्थिति थी तो उन्होंने कह दिया, स्थिति नहीं थी तो वो ना कहते। मेरी दृष्टि में तो अगर वो परिस्थिति ना बनी होती तो उन्होंने शायद कभी ना कहा होता। कह दिया बात खो गई, भूल गए। फिर घटना ये भी है, कहते हैं कि लंबे समय बाद युद्ध समाप्त हो गया, सब व्यवस्थित हो गया, तो फिर मित्रवत कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं, तो अर्जुन कहता है कि जब युद्ध चल रहा था तब आपने कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी, वो भूल गया, उनको एक बार फिर कहेंगे। तुम्हें याद है जिसको कहा गया था वो भूल गया था।
बातों का यही असर होता है, चाहे जितने ज्ञान की बातें कहो वो उस समय काम आई फिर भूल गई, उस समय का काम पूरा हो गया। तो कृष्ण हंसते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ कुछ भी दोबारा नहीं घटता, तो मैं तुमसे फिर कुछ कहता हूँ। और तब उन्होंने जो बातें कही वो भी रिकॉर्ड हो गई अणुगीता के रूप में। मैं समझता हूं कि वो उसे भी भूल गया होगा और कुछ समय बाद फिर पूछा होगा, हो सकता है किसी और रूप में वो भी रिकॉर्ड किया गया हो। शिष्यों का यही हाल होता है। तो करुणावश कई बार सद्गुरु कुछ चीजों को लिपिबद्ध हो जाने देते। भगवान बुद्ध का भी अगर तुम्हें स्मरण होगा तो उन्होंने भी कहा कि मेरे वचनों को लिपिबद्ध मत करना, अपने अनुभव से जीना। और उनके देह छोड़ने के सैकड़ों वर्षों बाद उन्हें लिपिबद्ध किया गया, जब लगा कि कुछ तो बचा लिया जाए। उस इशारे से ही कुछ शायद लोग आगे चल पाए, तो वो पर्याप्त है कि इशारे से लोग चल जाएं, लेकिन वो ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें कि आज तुम धम्म पद पलटोगे, गीता पलटोगे या वेद उपनिषद पलटोगे, उसमें ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान तुम्हें कहीं ना मिलेगा, ज्ञान मेरी बातों में भी नहीं। मैं बोल रहा हूं तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, कई बार उनके बीच में से निकाल कर तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें भून सकते हो, लेकिन ज्ञान उनमें कुछ भी नहीं है। ये तो एक आनंद का उत्सव है कि हम लोग साथ बैठे हैं, उत्सव चल रहा है। तुम अगर सीधे सीधे उसे उपलब्ध करने में सक्षम हो जाओगे तो शायद इसकी जरूरत भी ना पड़ेगी। तो इसलिए अनंत पथ के मित्रों को मेरा यही संदेश है, बेकार के पांडित्य से बचें, ज्ञान से बचें, और इस बौद्धिक इचिंग से, इंटेलेक्चुअल इचिंग से दूर हो जाए। बौद्धिक खुजलाहट होती है, इंटेलेक्चुअल इचिंग, ये न्यू एज डिजीज है कि तुमने कुछ पढ़ा सुना है और तुम्हें उसे बताने की बेचैनी है। जैसे किसी के शरीर में खुजली हो तो उसे खुजलाए बिना नहीं रहा जाता, हाथ वहां पहुंच ही जाता है। लाख डॉक्टर कहे कि नहीं खुजलाना नहीं, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन उसे तुम खुजला खुजला के बढ़ा लेते। ऐसे ही बौद्धिक खुजाहट भी होती है, तुम उसमें जितना संलग्न होते हो वो बीमारी बढ़ती जाती। तो इस बीमारी से सावधान रहें, थोड़ा उसकी तटस्थ दृष्टा बने और धीरे धीरे वो बीमारी जाएगी, ज्ञान की पांडित्य की बातें जाएंगी और फिर पीछे से कुछ उभरेगा जो निर्दोष होगा, सहज होगा। शायद टूटा फूटा हो, बहुत अच्छा शब्दों में बना हुआ ना भाव हो, लेकिन तुम्हारा अपना होगा और वही तुम्हें मुक्त करेगा। जो तुम्हारे अपने भीतर से उभरेगा आलोक का, किसी भी प्रकार का ढंग, वही तुम्हें आलोकित करेगा। और आज का ये क्षण विशेष है, समझ रहे हैं? इसे तुम अनुभव कर पा रहे होगे अगर संवेदनशील होगे, ये मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा है। कभी कभी कुछ ऐसी रहस्य की स्थितियां होती हैं जो मानवीय मन की समझ से परे होती है। तो हमारा यहां पर इतना ही उद्देश्य है कि उस रहस्य में तुम प्रवेश कर सको, ठीक है?
Thank you.